हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। और मैं साहिल क्रिएटिव लेकर आ गया एक नई वीडियो। और आज की जो वीडियो होने वाली है, आपने नाम तो पढ़ ही लिया होगा ऊपर टाइटल, कि जो स्विच बोर्ड होता है फ्यूज़ वाला, वो बनाएंगे। अब इसको मैं बनाना दिखाऊंगा, पहले इसके वर्क बता दूं कि जैसे आपने मेरी फर्स्ट वीडियो जो देखी होगी नॉर्मल स्विच बोर्ड की, तो स्विच बोर्ड में अगर आप ज़्यादा लोड देते हो, अगर नॉर्मल छोटा हीटर वीटर आपके घर में चलाते हो सर्दियों के मौसम में, या फिर प्रेस जो थी इस्त्री, अगर वो उस पर चलाते हो, तो उस पर क्या होगा, स्विच और ये बोर्ड ये गर्म हो जाएंगे या फिर वायरिंग अंदर की जल जाएगी। तो इसलिए आज हम बनाने वाले हैं फ्यूज़ वाला स्विच बोर्ड, ताकि अगर आप ज़्यादा लोड डालें तो हमारा ये जो फ्यूज़ है ये उड़े, आपकी वायरिंग और सॉकेट स्विच को कुछ भी नहीं होगा। तो चलो मैं इसकी वायरिंग करके दिखा दूँ, और मैं बता दूँ ये फ्यूज़ 6-7 एम्पियर का है, ज़्यादा अच्छा है, लोड ले सकता है ये, इसका कोई टेंशन नहीं है। तो मैं तीनों चीज़ों को इसमें फिट करके दिखा दूँ। तो फाइनली गाइज, हमारी जो फिटिंग है वो पूरी हो चुकी है, आप देख सकते हो। तब मैं इसकी जो वायरिंग है वो दिखाऊंगा कि किस तरह वायरिंग है। तो सबसे पहले आप देख लो कि ये वाले को मैं फोकस करूँ, ये जो पॉइंट है वो इसके साथ जुड़ जाएगा, और ये वाला जो पॉइंट है वो इसके साथ। चलो मैं जोड़ कर दिखा देता हूँ। तो हमें ये सिंपल सा एक वायर लेना है कटा हुआ, एक इसमें ब्रेक यू करके इसमें, आप चाहे तो लूपिंग भी कर सकते हैं इसके अंदर, बट ये ज़्यादा सेफ रहता है। अब जो दूसरा है ये वाला कनेक्ट होगा इसमें और इसमें, मैं करके दिखा देता हूँ, देख सकते हो आप। ये जो एक वायर है, हमने एक फ्यूज़ में है फ्यूज़, वो इसमें कर देते हैं। और एक वाला वायर इसके अंदर, मैं डाल के दिखाता हूँ, देख सकते हो आप, मैंने इस तरह इसमें जोड़ दिया है। अब मैं सब स्क्रू टाइट करने हैं, टाइट करने के बाद ये जो बच जाते थोड़े बहुत, आप चाहे तो काट सकते हो या फिर इसे वला देना है। इस तरह वलाना है कि जो दूसरा वायर आएगा उसको कोई टच ना हो। आप इधर भी देख सकते हो और इधर भी। अब हमारे टोटल बचे 2 पॉइंट, एक ये वाला और एक ये वाला, ठीक है। अब हमें वायर लेना है, आपको जितना लेना है आप ऐसा ले सकते हो, एक ऐसा वायर लेना है लगा हुआ, उसके जो 2 पॉइंट आएंगे एक इधर एक इधर, मैं काट के लगा के दिखा देता हूँ। आप देख सकते हो मैंने इसे छील लिया है, कोई भी आप एक वायर एक इधर लगा दो कुछ इस तरह, और जो दूसरा वाला है वो इधर लगा दो, यूं करके लगाओ ताकि जो वायर है ये वाला वो टच ना हो। और आप इसे इतने जो बचे हैं वायर, मैंने थोड़ा बड़ा काट लिया, तो आप इसे काट भी सकते हो, नहीं काटना तो नहीं भी काट सकते हो। तो चलो अब मैं इस बॉक्स को इसके अंदर फिट करके टेस्ट करके दिखाता हूँ। हमारी वायरिंग आप देख लो पूरी हो गई है। तो फाइनली गाइस, जो हमारा स्विच बोर्ड पूरा रेडी है, मैंने इसे फिट कर दिया, तो अब इसे टेस्ट करते हैं। तो टेस्ट करने के पहले मैं एक बात बता दूं कि अगर आप जो ये जो फ्यूज़ है, अगर आप डायरेक्ट शॉप से लाओगे, अगर आपने इसे फिट कर दी, वायरिंग कर दी, तो आपका जो बोर्ड है वो बिल्कुल चलेगा नहीं, क्योंकि आब इसे लगाया कुछ भी चीज़ तब चालू करोगे सिर्फ करंट बताएगा, आपकी कोई चीज़ वर्क नहीं करेगी। तो उसके लिए हमें क्या करना होगा, रुको, तो उसके लिए जो फ्यूज़ होता है इसके अंदर पहले से 2 ऐसे नट आएंगे, एक दो, उसे खोल के जो ऐसे नॉर्मल वायर जो होता है ऐसा, उसको छील के अंदर का कॉपर जो तार होता है वो निकाल के कुछ इस तरह लपेट दे। इस तरह लपेटने के बाद इसके अंदर जैसा था वैसा ऐसे लगा दे। तो अगर आप इस तरह करके लगाओगे तो ये आपका बोर्ड वर्क करेगा, वरना नहीं करेगा, मैंने सब करके देख लिया है। तो चलो अब मैं इसके अंदर ही लगा कर दिखाता हूँ। तो ये जो इसका जो प्लग है वो मैं यहाँ लगा देता हूँ, और जो स्विच है देख लो चालू कर देता हूँ मैं। तो ये हमारा बोर्ड चालू हो चुका है, अब ये स्विच बंद करके देख लो, मैंने लगा दिया है, यूज़ कर रहा है, पहले ढीला पड़ रहा था, आप देख सकते हो इसी बोर्ड का यूज़ कर रहा है, देख लो वायर भी वहीं लगा हुआ है, ये पूरा इसका जो वायर है वो,
बंद। चलो अब देखो फ्यूज़ निकाल कर दिखाता हूँ मैं। फ्यूज़, ये फ्यूज़ है मैंने निकाल दिया। अब देखो अब चालू नहीं होगा। अब मैं फ्यूज़ लगाता हूँ, अब देखो चालू हो गया। जिसका मतलब जो हमारा स्विच बोर्ड है ये पूरी तरह वर्क करने लग गया है। तो अगर फ्रेंड्स मेरी वीडियो आपको अच्छी लगी हो तो प्लीज़ यार सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को, क्योंकि ये 6th वीडियो है मेरी और 13 सब्सक्राइबर है बहुत बहुत। तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना मेरे चैनल को। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो ये वीडियो को लाइक और शेयर ज़रूर करना। चलो आपको मिलते हैं अगली वीडियो में।